पाकिस्तान में 32 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एनटीएस नेट की बेस पे अपना एडमिशन करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं एनटीएस नेट की मुकम्मल तैयारी के हवाले से आपको बताऊंगा कि इसके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह आपने इसकी तैयारी करनी है और इसके तैयारी के हवाले से स्टडी मटीरियल और फ्री बुक्स आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। नेट का जो टेस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के हवाले से भी लिया जाता है, इसके अलावा एमफिल के अंदर एडमिशन के हवाले से भी लिया जाता है। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, उसके लिए जो एनटीएस नेट का टेस्ट जो लिया जा रहा है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, कहां से करनी है, टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी और उसके हवाले से जो तमाम स्टडी मटेरियल है और बुक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी इसमें अप्लाई करने का तरीकेकार और इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जो इसके टेस्ट ले रही हैं, किस किस सिटीज में ये टेस्ट हो रहा है, इसके रेलिवेंट मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, तो तरीकेकार जो अप्लाई का है वो वही है, सेम है बिल्कुल, और वही यूनिवर्सिटीज हैं, वही टेस्ट सिटीज हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं और उसको देख के अपने इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने मैंशन कर दिया है, इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे भी आपको शो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके जो एनटीएस नेट का टेस्ट हो रहा है इसमें क्या क्या चीजें आनी है, किस तरह इसकी तैयारी करनी है। तो आपका ताल्लुक चाहे प्री इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल किया हुआ है, आपने आईसीएस की है या फिर एफएआईटी, जो भी आपने आईकॉम जो भी डिग्री की है, आपका जो पेपर आएगा वो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और 90 मार्क्स का पेपर होगा। अब जो 90 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होगी, इसमें आपको 20 मार्क्स के इंग्लिश के एमसीक्यूज आएंगे, 20 मार्क्स आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 20 एनालिटिकल और 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट होंगे। ये रेशो तमाम के लिए सेम है, चाहे वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, चाहे जिस भी डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो रेशो है वो सेम होगी। 20 मार्क्स इंग्लिश के आपको, 20 क्वांटिटेटिव के, 20 एनालिटिकल के और 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट। अब बात करते हैं इंग्लिश में आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी, 20 मार्क्स आपकी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एनालिटिक में क्या चीज़ें होंगी, क्वांटिटेटिव में क्या चीज़ें होंगी और सब्जेक्ट में क्या चीज़ें होंगी। तो इस वाले से बात करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की गई है कि आपको 5 क्वेश्चन आएंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, 3 क्वेश्चन आएंगे एनालॉगी के, 4 क्वेश्चन आएंगे आपको एंटोनिम्स और कंप्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा सिनोनिम के आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह जो 20 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के वो कंप्लीट होंगे। फिर नेक्स्ट एनालिटिकल की बात करें तो इसमें सिनेरियो बेस्ड आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में 20 मार्क्स में से आपको अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चन आएंगे, अलजबरा के 4 क्वेश्चन आएंगे और ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो मैंने आपको रेशो बताई है क्वेश्चंस की, ये तमाम के लिए सेम है, चाहे वो आईसीएस है, चाहे आईकॉम है, चाहे मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है। यहाँ तक जो क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मार्क्स की बताइए वो तमाम के लिए सेम है। अब इसमें स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन होता है कि जो प्री मेडिकल जिनका बैकग्राउंड है तो वो जो मैथ के क्वेश्चन है अलजबरा वाले वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इसमें आप याद रहे कि जो आपको क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ही बेसिक लेवल के होंगे, यानी मैट्रिक के अंदर आप सभी मैथ पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो मैट्रिक लेवल के होंगे, इंटर लेवल के नहीं होंगे, यानी बेसिक लेवल के आपको क्वेश्चन आएंगे जिसको हर स्टूडेंट जो है वो चाहे प्री मेडिकल का है, चाहे प्री इंजीनियरिंग का है, चाहे आईसीएस आईकॉम, तमाम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पोर्शन की, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपको 30 एमसीक्यूज आने हैं, इसकी जो रेशो है वो तमाम के लिए डिफरेंट है, प्री मेडिकल के लिए डिफरेंट होगी, इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट है, आईसीएस और आईकॉम के लिए डिफरेंट होगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की बात करेंगे जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसकी उनकी जो 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको 10 मार्क्स के फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे, 10 मार्क्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी 10 आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं प्री मेडिकल ग्रुप की, तो इसमें आपको फिजिक्स के 8 एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री के 8 एमसीक्यूज आएंगे और बायोलॉजी के 14 एमसीक्यूज आएंगे। और नेक्स्ट बात करें आर्ट्स ग्रुप की, तो आर्ट्स वालों को इस्लामियत या एथिक्स के 10 एमसीक्यूज आएंगे, पाक स्टडी के 10 एमसीक्यूज आएंगे और 10 ही जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, आईसीएस वाले जो हैं उनको फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज आएंगे और कंप्यूटर में से उनको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है चैप्टर उनका उसमें से 4 एमसीक्यूज आएंगे, प्रोग्रामिंग स्किल में से 3 आएंगे और फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस में से 3 एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स में से उनको 10 एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट जो जनरल साइंस वाले हैं उनको मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज आएंगे, स्टैट के 10 आएंगे और 10 ही इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आएंगे। आगे नेक्स्ट है कॉमर्स ग्रुप वाले, तो उनको अकाउंटिंग के 10 एमसीक्यूज आएंगे, 10 कॉमर्स के आएंगे और 10 ही इकोनॉमिक्स के आएंगे। तो ये था आपका पेपर पैटर्न और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पेपर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके पेपर में आनी है आपने सिर्फ वही तैयार करनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी आपने तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके लिए जो बुक है डोगर पब्लिकेशन की बुक है, मार्केट से मिल जाती है, आईसीएस वालों की इन्होंने अलग बनाई हुई है बकायदा एनटीएस नेट के टेस्ट के हवाले से, जिसमें तमाम जो मैंने क्वांटिटेटिव एनालिटिकल और
जो भी डिस्कस किए हैं, सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश के हवाले से आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट, वो तमाम जो है तैयारी का उन्होंने अलग अलग पोर्शन बनाया हुआ है। मगर जारी सी बात है कि अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, मगर आज मैं आपको बुक और उसके अलावा दीगर जो स्टडी मटेरियल है तैयारी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी टेस्ट के हवाले से गाइडेंस और इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के अपडेट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के टेस्ट की जो तैयारी है उसके हवाले से तमाम तर मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स, फॉरेन स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स, के अलावा बैंक लोन, यानी कि एजुकेशनल हर तरह की जो अपडेट है वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नोट्स आपको और बुक्स आपको फ्री में किस तरह मिलेंगी, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर आपने क्लिक करना है, ड्राइव का लिंक है मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है फ्री बुक्स एंड नोट्स फॉर प्रिपरेशन, तो उसके आगे लिंक दिया हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल शो हो जाएंगी, बुक भी आपको शो हो जाएगी पीडीएफ फाइल में, इसके अलावा और भी मजीद नोट्स हैं तैयारी के हवाले से, आपने वो फाइल अपने पास डाउनलोड कर लेनी है और उधर से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। और मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टेस्ट में अप्लाई के हवाले से आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं और उसमें अप्लाई करें, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज में ये टेस्ट लिया जा रहा है उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें और अपना एडमिशन को सिक्योर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशन अपडेट्स। थैंक यू।